हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत सारे फोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी वर्ड और एक्सेल या पावर पॉइंट फाइल को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपकी फोटोज़ जहाँ पे हैं वहाँ पर चले जाइए। तो मैं कुछ फोटो ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, ये फोटो सिलेक्ट कर ली। तो मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया और अब मैं राइट माउस बटन से प्रेस किया और अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गया है जिसपे यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का, तो वहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी फ़ोटो की ऐसे प्रीव्यू आ गई है। तो यहाँ पे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत है। मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। आपके पास अगर और कोई भी सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आपके कंप्यूटर पर ऑलरेडी है तो आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ कन्वर्टर की मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आगे आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ है। तो हम पीडीएफ में करना है तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा मैं कोई नहीं चूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वन फॉर विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ फैक्स और इंस्टॉल प्रिंटर। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ करूँगा और यहाँ पे पेपर साइज यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं इसे एक रूप में रखता हूँ। और क्वालिटी इसके मैं 600 रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए कॉपीज ऑफ इच पिक्चर मैं यहाँ पे 1 ही रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल पेज फोटो है, इसका मतलब एक फोटो पूरे पेज के लिए है। और यहाँ पे दो फोटो एक पेज पे होगी 13x18 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे भी एक फ़ोटो ही होगी 20x25 सेंटीमीटर की। यहाँ पे 4 फोटोज होंगे और यह वॉलेट है, यहाँ पे 9 फोटोज होगी और कॉन्टैक्ट शीट यहाँ पे 35 फोटोज होंगे। तो आप कोई भी चूज कर लीजिए, मुझे वॉलेट जो कि जिसपे 9 होते हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पेजेस हो गए हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अब आपको फाइल नाम देना है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सेव करूँगा, उसको मैं फाइल नाम दूँगा मैं फोटोज और इसे मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सेकंड पेज प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंट हो चुका है, अब हम जाके देखेंगे कि प्रिंट हुआ है डॉक्यूमेंट्स पे। ये देखिए, यहाँ पे हो चुका है पीडीएफ पे। ये देखिए, यहाँ पे 4 पेजों में हो चुकी है प्रिंट। वैसे आप बहुत सारे फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा एक ही फोटो को बहुत बार कैसे प्रिंट करते हैं, मतलब एक ही फोटो को आप एक ही शीट पे मल्टीपल करके आप उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे हम लेंगे पिक्चर्स पर और मैं फिर से कुछ फोटोज चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, तो मैं इसी एक फोटोज को फोटो को चूज करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सपोज 1 9, और अगर आपको पूरी पेज की बहुत सारे ऐसे फोटोज चाहिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, मैं यहाँ पे इसे 9 कर देता हूँ। और अब देखिए, ये प्रीव्यू आ गया है एक ही फोटो के ऊपर।
अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद ऑब्वियसली आ गया इसका नाम मेरा बना, तो इसका नाम का आई एम मैं और इसे मैं सेव कर दूँ। यहाँ पर देखिए सेव हो गया है। अब हम देखिए सर्च करता हूँ ये देखिए आप कैसे हो चुके हैं। एक ही पेज पे एक ही फोटो जैसे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब मान लो कैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो अपने आप एक डॉक्यूमेंट पर चले जाइए जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। ओपन हो रहा है ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मेनू का ऑप्शन है, मेनू पे आप क्लिक करें मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट में जो पीडीएफ चाहिए है और यहाँ पे सब कुछ ठीक है और मैं इसे ओपन कर लूँगा। करने के बाद भी अपने आप हो जाएगा और इसलिए हम इसका नाम देना पड़ेगा सबको इसका नाम देता है जियो ग्राफी और इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा। फिर तो हो चुका है और अब हम देखी जाएगी कि कैसा कर चुका है। बहुत ही इजी प्रोसेस है और ऐसे आप इसे बहुत ही इजी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।